In this video, we start with unit 3 and we have to do two chapters from unit 3, which is chapter 16 and 17. Baki jare jo chapters hai wo de-emphasized hai, jiska matlab usme se questions jo hai wo exam mein puche nahi ja sakte hai. Alright, so let's start with chapter 16. It's the chapter on payout policy. What is a payout policy? Payout policy means that agar koi company jaise shares issue karti hai, to wo shareholders ko dividends degi ki nahi degi, ya shares ko repurchase karegi ki nahi karegi. That is what we call a payout policy. Corporations, they can return cash to their shareholders by paying them a dividend or by repurchasing shares. Paying them a dividend means कि जो आपने share खरीदा है उस पर आपको एक return मिलता है, जैसे आपको interest होता है ना वैसे shares के ऊपर dividend होता है. Repurchasing share होता है कि जो आपने share खरीदा है उसको आप company को वापस बेच देते हो, उनसे पैसा ले लेते हो. Suppose you own a stock of a corporation that has rupees 1 per share of unneeded cash. तो उस कंपनी के पास रुपीज 1 पर शेयर है जो उनको अभी पैसा नहीं चाहिए. अब वो इस पैसे का क्या कर सकते हैं? या तो वो उसको होल्ड कर सकते हैं एज कैश, या फिर वो एक डिविडेंड दे सकते हैं, एक्स्ट्रा डिविडेंड दे सकते हैं रुपीज 1 पर शेयर का. तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, यू नो, वेदर दे होल्ड दिस कैश और दे पे आउट दैट मनी एज डिविडेंड, डज इट मैटर व्हाट दे डू? द फर्स्ट इंस्टिंक्ट शुड बी टू से नो, इट शुडंट मैटर, क्योंकि ईदर विच वे दैट मनी वॉज नॉट नीडेड, राइट? नाउ इमेजिन हाउ इट हैपन्स. जब अगर आपको डिविडेंड देती है कंपनी, सो देन डिविडेंड पुट्स दैट 1 रुपी इन योर पॉकेट, देन क्या होगा, आपका जो शेयर है ना उसका प्राइस जो है वो 1 रुपी लेस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज यू हैव अ शेयर, दैट शेयर प्राइस इज लेट्स से रुपीज 25 टुडे. सो व्हेन दैट शेयर इज वैल्यूड एट रुपीज 25 टुडे, व्हाट इट मींस इज दैट इसकी ये आज वर्थ है, इस पे आपको जो वर्थ है वो आपकी 25 रुपीज की है, राइट? इफ यू गो एंड सेल इट इन द मार्केट, दिस इज गोइंग टू द मनी दैट यू गोइंग टू गेट. इफ टुडे द कंपनी रिलीजेस डिविडेंड्स वर्थ 1 रुपी, देन इन द मार्केट टुमारो इट विल बी वर्थ 24, क्योंकि जो 25 का रिटर्न इस शेयर से मिल सकता था, उस रिटर्न में से 1 रुपी तो आपको ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया, तो अभी वो बाकी रिटर्न कितना दे सकती है, रुपीज 24, बिकॉज हुएवर विल बाय दैट शेयर from you now will think na ki 1 rupee ka to dividend aapko mil hi chuka hai. So iska matlab ab jo mujhe return milegi, if I am buying this share from you today, then I am saying I am willing to pay 25 to you. If I buy the share from you tomorrow you would have gotten this 1 rupee dividend already, then I will say ki jo mujhe return company se mil sakta tha usme se 1 rupya to aap already le gaye ho, so which is why this share is now worth to me at 24, right? Aur agar corporations jo hai wo dividend na release karke is cash ko hold karte to kya hota hai, then this 1 rupee stays with them. What if agar wo 1 rupee unka rehta hai without doing anything, then it's okay, it doesn't matter. But what if wo jo 1 rupee unke paas hai wo redundant nahi hai. Redundant ka matlab hai that money can be utilized somewhere, that means it can be utilized or can be set aside for capital investment. Then agar hum log capital investment ke liye us paise ko rakhte hain, then agar hum us paise ko capital investment ke liye na rakh ke dividend de dete hain, उसका मतलब है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती थी वो इन्वेस्टमेंट अब मैं नहीं कर सकती हूँ, राइट? देन दैट पे आउट डिसीजन बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर. वन इज वी आर सेइंग कि वो पैसा अननीडेड है. अगर वो पैसा अननीडेड है तो फर्क नहीं पड़ता है. दूसरा है कि वो पैसा जो है वो एक इन्वेस्टमेंट में हम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट में ना पे करके उसको डिविडेंड दे दिया. इसका मतलब द मोमेंट आई एम पेइंग अ डिविडेंड, आई एम सेइंग वेदर दिस मनी नीड्स टू बी इन्वेस्टेड और नॉट, सो देन इट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट? सो इफ आई हैव लेट्स से INR 200 रुपीज एंड आई एम सेइंग इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दिस 200 रुपीज आई एम गोइंग टू रिलीज देम एज डिविडेंड्स, देन आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस मनी फॉर दिस इन्वेस्टमेंट. This is why I am making an investment decision. Then I am not making a decision whether to pay the dividend or not. I am making the decision whether I want to carry out this investment or not. There's another view to it. Suppose the firm's payout rupees 1 per share, but they replace the cash by borrowing. So I am the firm. मैंने पैसा दे दिया, dividend दे दिया 1 rupee per share, but वो पैसा मुझे चाहिए था. तो इसलिए मैंने क्या किया, वो पैसा मैंने borrow कर लिया market से. Then I'm not actually paying out a dividend, I am borrowing money. So then what am I doing? The third thing, I am actually paying a dividend and I'm replacing that money by borrowing. So maine kya kiya, the moment I paid out the dividend I already made a decision of borrowing, which is why again it's not a payout decision, it's a borrowing decision.
सो वॉट वी आर सेइंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वी आर सेइंग हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं करेंगे, हम बोरोइंग डिसीजन नहीं करेंगे. द ओनली डिसीजन वील मेक इज द डिविडेंड डिसीजन, विच मीन्स दैट द ओनली डिसीजन आई एम डूइंग इज इफ द कंपनी हैज सम अननीडेड कैश देन वेदर शुड दे रिटेन इट और दे शुड release that as dividends. So we are not saying that this money, if it's retained, will go into investment, will go into anything else. We're not saying that, because if we say that, then it becomes an investment decision, and we're not discussing that here. What are we discussing? We are saying if a company had some unneeded cash, then whether should it pay dividends or not. So that's what we are saying. So we are saying that agar hame payout policy samajhni hai, then we must separate the decisions from investment and borrowing decisions. So we are not making investment and borrowing decisions, we're keeping them fixed. Then we are saying that what happens when we release dividends. When we are saying that changes in the cash dividends are offset by issues or retirement of shares. So jitne hum log dividends release karte hain, उतना ही हमारा शेयर्स के अंदर, शेयर नंबर्स ऑफ शेयर्स के अंदर, शेयर प्राइसेस के अंदर फर्क आता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट पे जेनरस कैश डिविडेंड्स नोइंग दैट इट विल हैव टू शेड्यूल स्टॉक इश्यूज टू रेज कैश फॉर इन्वेस्टमेंट. इट मेक्स सेंस ना, अ कंपनी में से कि भाई मुझे कल को और पैसा उठाना है मार्केट से, आई वॉन्ट टू रिलीज मोर शेयर्स एंड रेज मोर मनी इन द फ्यूचर. इफ आई हैव टू रिलीज मोर शेयर and raise more money in the future, then I have to release dividends, because if I do release dividends, then my company's profiling will improve, and if my company's profiling improves, I will be able to raise better money. अनदर कंपनी में से कि भाई मुझे तो डिविडेंड्स ही नहीं पे करने हैं, मेरे पास जो पैसा है ना, जो अननीडेड कैश है, उससे मैं अपना स्टॉक रीपरचेज करूंगा, बिकॉज मुझे अपने ना जो यू नो द वोट्स आई नीड टू कंटेन विद इट माई सेल्फ. सो देयरफॉर अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, वी विल एनालाइज द ट्रेड ऑफ बिटवीन हायर एंड लोअर कैश डिविडेंड्स एंड द इशू और रीपरचेज ऑफ कॉमन स्टॉक. सो हायर एंड लोअर कैश डिविडेंड्स एंड इशू एंड रीपरचेज ऑफ कॉमन स्टॉक. एंड दिस ट्रेड ऑफ इज वेरी इंटरेस्टिंग. This trade-off is interesting for three reasons. First, changes in the dividends convey information about the firm's profitability. Yes, agar main dividends pehle release karti aa rahi thi, ab nahi kar rahi hu, investor may feel ki is company ki halat utni achhi nahi jitni pehle thi, and vice versa, right? So when I declare dividends, it says a lot of things about my company to the future and the current investor. Second, डिविडेंड्स जो हैं वो टैक्स होते हैं एट अ हायर रेट देन कैपिटल गेन्स. इफ इन कंट्रीज कैपिटल गेन्स आर टैक्स एट अ सर्टन रेट विच इज मोस्टली जीरो, नॉट इन आर कंट्री दो, बट इन मोस्ट केसेज इज जीरो, देन द डिविडेंड्स आर टैक्स एट अ हायर रेट. देन दैट्स वाई द कंपनीज नीड टू थिंक दैट वेन दे डिक्लेयर द डिविडेंस वट इज द नेट रिटर्न गोइंग टू द इन्वेस्टर. इफ दे फील द नेट रिटर्न इज टू लो, दे माई जस्ट री बाय बैक द शेयर सो दैट द इन्वेस्टर इज एबल टू बुक अ कैपिटल गेन. थर्ड सो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, सो व्हेन वी से देयर आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दैट इज डन बाय द कंपनी, बट इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि अगर आपके पास कुछ कैश है तो उसको आप डिविडेंड दे दो, क्योंकि अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो हो सकता है कि आप कैश को उन वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करो जिनकी जरूरत नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है. Because, you know, investors believe that there are only so many profitable projects you can have. If there are only so many profitable projects that one has, then automatically, if they don't pay out dividends and if they are earning decent enough money, then eventually they will run out of good investments to make. Then they make bad investments. So, which is why investors feel that if the company has a lot of cash to their disposal, they may start investing in wasteful projects, which is not something they would want to do. They would want the firm to do because they feel that it's their money, which is why dividends also have a very interesting take. Okay, so let's discuss it. Let's start stating facts about payout. So corporations jo hain, they pay out cash to their shareholders in two ways. Ya to wo dividend pay kar sakti hain, ya fir wo apne outstanding shares ko buy back kar sakti hain. Ya fir wo apne outstanding shares ko buy back kar sakti hain. You know, till very recently, dividends never used to be declared by the companies. Companies जो थी ना वो कभी dividends declare करती ही नहीं थी, right? और buyback जो होता था वो तो बहुत ही कम होता था. So dividends although were released, but they were released at a very low rate, but dividends were still released, but buybacks used to never happen. It happened for a very little while, for a very small amount in 1995, but otherwise buyback never used to happen. But recently,
of lately, up to about 2003, the dividends and the buybacks both have increased a lot. Both have increased a lot, right? And since then, it has become somewhat common to actually do a buyback also and release dividends as well. So let's look at how dividends are paid. A company's dividend is set by the board of directors. The announcement of the dividend states that the payment will be made to all stockholders who are registered on a particular stock date. So, for example, if I'm releasing the dividend on a particular date, let's let that date be 10th April 2018. So, 2010th April 2018 ko main announcement kiya ki main dividends dungi. So, these dividends have to be mailed within a week or so. Within a week or so, we have to mail the checks to the stakeholders for the dividends. So, hota kya hai, jab bhi kisi share ke upar dividend declare kiya jata hai, to us stock ko hum normally 2 business days before the record date tak hum usko trade kar sakte hain. So, for example, if HUL declares interim dividend of Rs. 3.5 per share, they let's say make this announcement on 31st October 2011. राइट देन शेयर्स जो है वो हमारे ट्रेड हो सकते हैं 4th November 2011 देन 8th November 2011 इज द कट ऑफ डेट. इस डेट तक जो हमारे हमारे रिकॉर्ड्स में जो नाम आ गए वो नाम आ गए. इस रिकॉर्ड डेट के बाद अगर कोई भी हमारा शेयर होल्डर चेंज होता भी है देन ऑल्सो इट विल नॉट मैटर टू अस बिकॉज द डिविडेंड विल गो टू द पर्सन हु वॉज होल्डिंग दैट शेयर ऑन 8th November 2011. सो वॉट वी आर सेइंग इज कि देयर इज अ कट ऑफ डेट. लेट्स से दैट डेट इज 8th November 2011. देन फॉर ऑल द स्टॉक्स विच वर ट्रेडेड बिफोर दैट दे ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड इन द फर्म्स रिकॉर्ड्स and all the records which are traded after that they are not updated. When I say not updated, what do I mean? I mean their names are updated, but these are not the people who get dividends. These are the people who get dividends even though the dividends is coming to people on 22nd November 2011. That doesn't matter. The fact is that the date got frozen on the 8th November. So 8th November se pehle jo trade hue unko dividend milega. 8 नवंबर के बाद जो ट्रेड हुए उनको ये वाला जो डिविडेंड रिलीज होगा वो नहीं मिलेगा. दे विल नॉट गेट दिस मनी. हु विल गेट दिस मनी? द पर्सन हु वाज होल्डिंग दिस स्टॉक. द पर्सन हु वाज होल्डिंग दिस स्टॉक बिफोर बिफोर 8 नवंबर 2011. राइट. सो दिस इज हाउ. सो नाउ दिस इज हाउ इट्स डन. ओके. सो 8 नवंबर को मेरी रिकॉर्ड डेट है. 8 नवंबर को मेरी रिकॉर्ड डेट है. और ये रिकॉर्ड कब का आता है? ये रिकॉर्ड आता है 4th नवंबर का. सो एसेंशियली 8 नवंबर इज माय रिकॉर्ड डेट. तो 8 नवंबर को मेरे कौन से रिकॉर्ड अपडेट होते हैं? फॉर द ट्रेडिंग व्हिच हैपेंड ऑन द 4th. सो माय रिकॉर्ड्स आर नॉट अपडेटेड ऑन द सेम डेट्स. इट्स अपडेटेड अ लिटिल लेटर. सो 4th को हमारे हमारी ट्रेडिंग हुई. 8th को हमारे अपडेट हुए एंड अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स व्हिच आर ऑन द 8th इज द dividend released on the 22nd. So the companies are not free to declare whatever dividend it chooses. So jo hamara dividend payment act hai Indian companies ka, which is by section 205 of the companies act, section 205 of the companies act. So according to this act, ek company dividends apne profits mein se de to sakti hai, lekin usse pehle usko depreciation, रिजर्व्स और बाकी सब चीज़ों के फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है. सो अ कंपनी डजंट हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन इट्स प्रॉफिट्स टू डिक्लेयर एज मच डिविडेंड्स एज दे वुड वांट टू. दे कैन डिक्लेयर डिविडेंड्स बट बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट द सेक्शन 205 एंटेल्स. दैट इज वन. सेकेंड इज कि डिविडेंड्स जो होते हैं वो हमेशा हमारे कैश के फॉर्म में नहीं होते. डिविडेंड्स आर नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश. Why? Because काफी बारी companies जो हैं they declare stock dividend. For example, they say कि हम लोग अनाउंस कर रहे हैं 1:2 बोनस इशू. 1:2 बोनस इशू का क्या मतलब हुआ? आपके पास एक शेयर था, आपको एक शेयर फ्री मिल जाएगा और कंपनी जो है वो शेयर आपको दे देगी. So instead of holding one share, by the end you would have two shares. So this is the bonus of the इसको हम 1:2 stock issue भी बोलते हैं, इसको हम split भी बोलते हैं. एक ही बात है. So दोनों में क्या होता है कि हमारे जो
सो जो हमारा स्टॉक स्टॉक हम लोग जो एक्स्ट्रा बोनस स्टॉक इशू करते हैं या स्प्लिट करते हैं, उसमें क्या होता है, दोनों में हमारा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता है लेकिन हमारी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता. द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल बिकॉज द कंपनी डिड नॉट रेज मोर मनी, डिड नॉट रिलीज मनी, दे डोंट केयर. सो जस्ट अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर. सो इफ अ कंपनी वॉज इशू हैड इशूड 100 शेयर्स, नाउ दैट 100 शेयर्स बिकम्स 200 शेयर्स, बट दोज 200 शेयर्स आर जस्ट पेपर इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू इंक्रीज. इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू यू एज अ कंपनी, बट एज एन इन्वेस्टर इट मेक्स अ डिफरेंस टू यू बिकॉज ये जो है वो आपके शेयर की वैल्यू को कम कर देता. What is the importance of bonus issues in India? Bonus issues India के अंदर बहुत एक vital role play करते थे. April 2009 से पहले Indian companies used to declare dividends as a percentage of the face value per share. So वो लोग क्या करते थे? They used to say, let's say, announce a 100% dividend, which means अगर आपका face value का share का 2 है, तो आपका 2 rupees का dividend हो गया, right? Mohanty, who's a economist, he finds that Indian companies जो हैं वो अपनी dividend rate को proportionately कम नहीं करती हैं. They do not reduce the dividend rate proportionately after the bonus issue. तो अगर उन्होंने bonus issue भी कर दिया तब भी वो अपना dividend rate को कम नहीं करती हैं. So after the bonus issue, let's say, they increase the bonus to, let's say, they did a bonus issue of 100%. Then, ideally, the face value should have reduced to 1, but the face value remains at 2. The market value reduces to 1. बट इंडियन कंपनीज जो हैं वो अपना डिविडेंड एज अ फेस वैल्यू एज अ प्रोपोर्शन रिलीज कम नहीं करती हैं. सो मोहांती ने एक सैम्पल पीरियड लिया था 1982 से लेकर 96 का, विच वॉज अ 14 ईयर सैम्पल पीरियड. ही सेड ओनली 9% ऑफ द कंपनीज रिड्यूस देयर डिविडेंड्स. 91% के अंदर उन्होंने अपना वैल्यू कम नहीं करा था. लेकिन 2009 में सेबी ने दे मेड इट कंपल्सरी टू मेक श्योर दैट डिविडेंड्स आर रिलीज इन इंडियन कंपनीज ऑन अ पर शेयर बेसिस. सो हाउ डू फर्म्स देन रीपर्चेज देयर शेयर, हाउ डू फर्म्स बाय बैक देयर शेयर्स. इंस्टेड ऑफ पेइंग अ डिविडेंड टू इट्स स्टॉक होल्डर्स, फर्म्स कभी कभार अपना कैश यूज करती हैं टू रीपर्चेज. जो सेबी की रेगुलेशन थी 1998 में, उसके हिसाब से कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स बाय द टेंडर ऑफर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस from open market, either through the book building process or stock exchanges or from odd lot holders. You see, there are processes. Companies क्या कर सकती हैं? Companies जैसे हम लोग आपस में trade करते हैं ना, वैसे ही companies भी हमारे साथ trade करके उस स्टॉक को हमसे बाय बैक कर सकती हैं. सो ओपन मार्केट में या तो वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से कर सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली बाइंग बैक नॉर्मली, और दे कैन एक्चुअली डू इट फ्रॉम ऑड लॉट होल्डर. सो यू नो टिपिकली हमारे पास जो कुछ लोग होते हैं वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ऑड लॉट होल्ड करके रखते हैं, उनको वो एक ऑफर रिलीज कर सकते हैं ऑफ बाय बैक. इफ द पर्सन अग्रीज देन दे कैन बाय बैक फ्रॉम देम. जो इंडियन कंपनीज हैं वो मोस्टली ओपन रूट यूज करती हैं बाय बैक के लिए. सो आउट ऑफ द 160 बाय बैक ऑफर्स मेड बाय द इंडियन कंपनीज ड्यूरिंग 2004-2011, ओनली 67 वर टेंडर ऑफर्स. सो 160 में से 67 टेंडर ऑफर्स थी, बाकी जो 93 थी वो ओपन मार्केट से लिया गया था. मतलब 67 में कंपनी ने एक फॉर्मली एक पर्सन पीपल को अप्रोच करके उनको बोला वी वांट टू बाय बैक एंड दैट्स हाउ दे परचेज, बट बाकी जो थी ना, द रेस्ट ऑफ देम विच वर 93, दे वर थ्रू ओपन मार्केट. ओपन मार्केट का मतलब है उन्होंने जैसे नॉर्मल लोग ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड करके अपने शेयर्स को बाय बैक किया था. इन US द सिस्टम्स आर अ लिटिल डिफरेंट. देयर आल्सो अलाउड डच ऑप्शन व्हिच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ बिकॉज इन इंडिया दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल. शेयर होल्डर्स दे कैन सबमिट देयर ऑफर्स, दे कैन डिक्लेयर हाउ मेनी शेयर्स दे वांट टू सेल एंड एट व्हाट प्राइस. एंड कंपनीज जो होती हैं फिर वो डिसाइड करती हैं कि उनको कितने शेयर्स बाय बैक करने हैं कितने प्राइस पे. दैट्स अ डच ऑप्शन बट इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया, राइट? सो हाउ डू कंपनीज देन डिसाइड ऑन पे आउट. कंपनीज कैसे डिसाइड करती है कि कितना पे आउट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. इन 2004 देर वॉज अ सर्वे ऑफ सीनियर एक्सेक्टिव्स एंड दे वर आस्क्ड अबाउट फर्म्स डिविडेंड पॉलिसीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो सर्वे था ना उसमें उन्होंने पूछा था, उसमें 3 फीचर्स दे स्टैंड आउट. What are the 3 features? 1, managers जो हैं वो dividend changes, they are reluctant to make dividend changes that may be reversed. So they want to make those dividend changes which are going to stay forever. They are very reluctant to make the dividend changes which are reversed. And they are particularly worried about having to rescind a dividend increase. And if necessary, would choose to raise new funds to maintain payouts. See, think about it very
think about it very in a way with a very open mind, actually. Think about it from a very investor point of view. So think about it. If I'm a firm, you're an investor. Let's suppose I'm increasingly giving you payout. So each year I'm giving you higher and higher payout, and suddenly I stop. And suddenly after 5 years, I start reducing my payout. Wouldn't you be very surprised by that thing? And you wouldn't you feel that, you know, maybe I'm not as solid as I was earlier? So which is why managers, now they don't want to raise people's expectations, which is why they want to make those dividend changes which they can continue forever. So agar unko lagta hai ki aaj wo high pay dividend pay kar dete hai aur kal ko unko usko dividend ko rescind karke chota karna padega, to wo bolte hai ki let us not take that decision because then people will think negatively. So you know, agar ek company dividend nahi pay out karti hai, then they don't think of that, the investor doesn't think of that company as badly as another company, as another firm which increases the dividend and then later reduces it. So that's why managers are very, very skeptical about the dividend changes that may be reversed. इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें dividends को तो बढ़ाते ही रहना है या constant रखना है. If I have already declared a particular dividend a year, I would want to keep continuing to release that dividend a year. चाहे फिर उसके लिए मुझे पैसा raise करके ही dividend क्यों ना देना पड़े, but वो dividend मुझे देना चाहिए. Makes sense, right? Second, to avoid the risk of reduction in payout, managers smooth dividends, which means that managers क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आज मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो, आज आप हम ज्यादा डिविडेंड रिलीज कर दें, हम ये नहीं करते. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ फर्म विच इज लाइक, लेट्स से which produces woolen cloths. So woolen cloths mein typically the firms would see higher profits in winters and lesser in summers. So they should ideally release higher dividends in winters and lesser in summers. They don't do that. Why don't they do that? Because they again fear the investors thinking about it in a wrong manner. So what do? They smooth out dividends. This smooth out dividends matlab wo extra profit winters ka rakh ke balance out karke summers or winters mein similar amount denge. Which is what, this is just a small example, an unrealistic example. So what it does, what it means is that dividend jo hote hain, उनको हम एक लॉन्ग टर्म स्टेबल अर्निंग में टर्न कर देते हैं, बिकॉज इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग हायर एंड लोअर डिविडेंड्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, वी रिलीज अ सस्टेनेबल डिविडेंड. ट्रांजिटरी अर्निंग्स चेंजेस आर अनलाइकली टू अफेक्ट डिविडेंड पे आउट. सो व्हेन अ फर्म डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, दे डोंट बेस दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन ट्रांजिटरी अर्निंग्स, दे बेस दैट अमाउंट ऑन अ कंटिन्यूअस अर्निंग. Managers focus more on dividend changes than on absolute levels. So managers जो हैं वो dividend changes पे ज़्यादा focus करते हैं than on absolute level. What it means is कि अगर हमने $2 का dividend दिया था last year, $2 dividend decision is important, financial decision, अगर last year का $1 था. लेकिन अगर last year का भी $2 था तो इस साल का भी $2 है, उससे फर्क नहीं पड़ता. Why? Because when you decided to give a $2 dividend last year, then you know that this $2 is something that I have to pay each time, every time. So that is not something that bothers you. What bothers you is that if you decide to increase it today, then you will have to increase it forever. That's an important decision. And if you decide to decrease it today, then the amount, the message it sends out to an investor, that's negative, that's also important. So a consistent decision once taken is taken forever, and that is not the important one. The changes in that decision are the is the important one. All right. While stock repurchases are like bumper dividends, they do not typically substitute for dividends. What it means is that अगर हमने रीपर्चेज कर लिया स्टॉक तो बात ही खत्म हो गई. लेकिन अगर हम रीपर्चेज कर भी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे डिविडेंड्स रिप्लेस हो जाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ फर्म एंड लेट्स से यू आर होल्डिंग 2 shares ऑफ माई कंपनी, मैंने क्या किया, 1 share आपसे रीपर्चेज कर लिया. Doesn't mean कि सेकेंड शेयर पे मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगी. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दैट शेयर इज बीन हेल्ड बाय यू, सो यू आर हैप्पी बिकॉज यू गॉट द सम मनी बैक फ्रॉम मी. बट हो सकता है कि टू डिफरेंट पीपल आर होल्डिंग टू डिफरेंट स्टॉक्स, 1 person गेट्स सम मनी बैक बिकॉज दे हैव सोल्ड द शेयर बैक टू द कंपनी, सो द कंपनी इज बॉट बैक देयर शेयर फ्रॉम दैट पर्सन. बट द सेकेंड पर्सन हु वॉज होल्डिंग द शेयर, उसको तो डिविडेंड ही नहीं मिला ना. इसीलिए बायबैक का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे. इनफैक्ट ओवर 98% ऑफ द कंपनीज इन इंडिया
which repurchased stock between 2004 to 2011, they also paid dividends. So firms are likely to buy back stock when they've accumulated a large amount of unwanted cash. So जब उनके पास ज्यादा पूल हो जाता है तब वो बाय बैक करते हैं या फिर वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर. अनलाइक अ स्टॉक परचेज, डिविडेंड्स जो हैं दे आर नॉट रिकॉर्डेड एज एन अप्रोप्रिएट वे टू पे आउट ट्रांजिटरी अर्निंग्स. डिविडेंड से हम ट्रांजिटरी अर्निंग्स कभी नहीं पे करते हैं बिकॉज डिविडेंड्स आर लॉन्ग टर्म अर्निंग्स. इसीलिए फर्म्स जो हैं दे डू नॉट रीपरचेज स्टॉक, वुड नॉट कॉन्टेम्पलेट यूजिंग द कैश टू रेज द डिविडेंड, क्योंकि एक बार उन्होंने डिविडेंड पे कर दिया देन दैट्स अ कमिटमेंट दैट दे हैव मेड टू पे आउट दैट मनी फॉरएवर, राइट. So this finishes our section 16.1 to 16.3. It is very simple. In the next one, I'll start with 16.5. Thank you.